नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं दुष्टोर उपाध्याय। जम्मू कश्मीर के जिन गद्दार नेताओं ने अपना सियासी फायदा उठाने के लिए दशकों से घाटी को हिंसा की आग में झोंके रखा था, अब धारा 370 हटने के बाद से इनकी सारी दुकानें बंद हो गई हैं, क्योंकि जिन युवाओं को बरगला कर ये लोग दहशतगर्दी फैलाते थे, अब वो युवा अपने उज्जवल भविष्य की राह पर निकल पड़े हैं। सरकार को लेकर इनके बीच एक ही उम्मीद है कि किसी भी तरह वहां विकास हो और फिर से स्वर्ग की जमीन कहे जाने वाला जम्मू कश्मीर अपनी मुख्य धारा में लौटे। लेकिन ये सब चीन और पाक परस्ती नेताओं को रास कहां आ रहा है, वो तो फिर से सरेआम गद्दारी करते हुए हिंसा के बीज बोने में जुट गए हैं, जो अब संभव ही नहीं है। जम्मू कश्मीर की राजनीति में दशकों से रसूख रखते आ रहे ये वही नेता हैं जिन्होंने राज्य को लूटने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी, जिन्हें कुछ दिनों पहले ही सरकार ने पिंजड़े से रिहा किया था। फिर भी इन जहरीले नाग और नागिन का जहर कम नहीं हुआ है और गुपकर गैंग बनाकर लोकतंत्र को डसने के लिए फुफकार मार रहे हैं। लेकिन इन्हें पता होना चाहिए कि जहर कितना भी हो, जब सांप के दांत टूट जाते हैं तो वो कुछ भी नहीं कर सकता है। देश के खिलाफ गद्दारी करने वाले इन नेताओं पर अब सरकार ने शिकंजा भी कसना शुरू कर दिया है और जितना भी इन्होंने कश्मीर की जनता को लूटकर अपनी आलीशान इमारतें खड़ा किए हैं, अब इनसे सारा हिसाब लेने की तैयारी शुरू हो गई है। इसी बीच जम्मू कश्मीर क्रिकेट घोटाला मामले में शनिवार को प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला के 2 घर 3 प्लॉट और 1 अन्य प्रॉपर्टी को सीज कर दिया है। इसकी कुल कीमत बाजार में करीब 12 करोड़ रुपए बताई जा रही है। फारूक अब्दुल्ला की जो संपत्ति ईडी ने अटैच की है उसमें श्रीनगर के गुपकार रोड वाला घर और रेजिडेंसी रोड पर कमर्शियल बिल्डिंग शामिल है, जो एक सरकारी जमीन पर बनी हुई है और फारूक अब्दुल्ला ने इन्हें लीज पर ले रखा है। इसके अलावा जम्मू के संजवान में जो घर है वो भी सरकार और वन विभाग की जमीन पर है, जिसे फारूक अब्दुल्ला ने कब्जा कर घर बनाया था। दरअसल जिस मामले को लेकर फारूक अब्दुल्ला पर कार्रवाई हुई है वो मामला जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन के करोड़ों के घोटाले से जुड़ा हुआ है। उस वक्त फारूक अब्दुल्ला JKCA के अध्यक्ष थे और BCCI ने इसी दौरान 109 करोड़ 78 लाख रुपए राज्य में क्रिकेट के डेवलपमेंट के लिए दिए थे। साल 2005 से लेकर 2006 और 2011 से लेकर 2012 तक JKCA को BCCI से फंड अलर्ट हुआ था, जो कि जम्मू कश्मीर में क्रिकेट के डेवलपमेंट के लिए था। लेकिन आरोप है कि जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और JKCA के तत्कालीन अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने एहसान अहद मिर्जा और मीर मजूर गजनफर के साथ मिलकर 43 करोड़ 69 लाख रुपए का घोटाला किया और अपने बैंक खाते में इन पैसों को जमा कराया या कैश निकाल लिया, जिसके बाद जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन में हुए घोटाले को लेकर जांच CBI को सौंप दी थी, जिसमें फारूक अब्दुल्ला समेत खजांची एहसान अहमद मिर्जा और मीर मंजूर गजनफर समेत दूसरे आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज करके जांच शुरू की थी और उसी के आधार पर ईडी ने 2015 में मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया था। ईडी की ओर से पूछताछ के लिए नोटिस जारी होने के बाद फारूक दफ्तर पहुंचे थे और इस दौरान घंटों तक फारूक अब्दुल्ला से पूछताछ हुई। यानी कि साफ है कि देश विरोधी हरकतें करने वाले जम्मू कश्मीर के नेताओं पर अब कार्रवाई तेज हो गई है, जो आने वाले दिनों में इन जहरीले नाग नागिनों पर भारी पड़ने वाली है। देश और दुनिया की तमाम खबरों को पाने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। नमस्कार।